नमस्कार, मैं भावना। स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना के 21 नए केस सामने आए हैं। सीएमओ सुरेंद्र नैन ने दी जानकारी, जिसमें से 3 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, 2 केस कालावाली से, 6 केस कंगनपुर रोड से, 1 केस सूरतगढ़िया बाजार से, 2 केस रानिया गेट से, 1 केस लकड़ मंडी से, 2 केस बांसर कॉलोनी से, 1 केस हुडा सेक्टर से आए हैं। सत्याग्रह आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च। आज पूरे देश भर में जितने भी ब्लॉक हैं, जिला मुख्यालय हैं, उन पे 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों और राज्य के जो फेडरेशन है कर्मचारी संघों के, उनके आह्वान पर आज सत्याग्रह का प्रोग्राम किया जा रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और आज हमने उसी कड़ी को 78वीं वर्षगांठ मनाते हुए भारत बचाओ और बीजेपी भगाओ के मतलब नारे के साथ इस आंदोलन को हमने शुरू किया है। तो इस आंदोलन में तमाम कर्मचारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, पीटीआई साथियों ने, तमाम कमेरे वर्ग ने इसमें अपनी भूमिका को अदा किया है। आज के इस एजेंडे में बता देना चाहता हूँ कि 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर लगातार 2 महीने से कर्मचारी आंदोलनरत हैं, बावजूद इसके प्रदेश की सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। प्रदेश की सरकार को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार ने झूठा एफिडेविट दे करके कोर्ट को गुमराह किया है और उसमें फैसला था कि अगर वो कोर्ट के अंदर एफिडेविट देते कि हमारे पास पोस्टें खाली है, 68 कर्मचारियों को उसमें सम्मिलित कर देते, 450 के लगभग पोस्टें खाली पड़ी है, बावजूद उसके झूठा एफिडेविट देते इन कर्मचारियों को गुमराह करके इनकी नौकरी के ऊपर तलवार लटवा दी, जो कि एक निंदनीय है। सर्व कर्मचारी संघ कड़ी शब्दों में निंदा करता है। हम मांग करते हैं कि 23 तारीख को जो इनका पीटीआई का जो टेस्ट लेने जा रहे हो, उसको फौरन बंद करिए और इन कर्मचारियों के लिए अध्यादेश ला करके इनको रेगुलर करते हुए इनकी सेवाओं की बहाली का काम करे। और दूसरा, आज पूरे देश के अंदर जितने भी ठेका प्रथा के माध्यम से कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों का ठेकेदार के माध्यम से होता है, ठेकेदार को बाहर किया जाए, उन कर्मचारियों को पेरोल पे लेने का सरकार काम करे, ये हमारी डिमांड है। और कोरोना काल में जितने भी प्रदेश की सरकार ने काले कानून लागू करने का फैसला लिया, जिस प्रकार से निजीकरण का है, या जो श्रम कानूनों में बदलाव का 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेने का जो फैसला सरकार ने किया, पुरानी पेंशन स्कीम की बात है, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के हम आंदोलनरत हैं और 14 तारीख को पीटीआई को लेकर के और हम जेल भरो आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश भर के अंदर। हम बताना चाहते हैं कि सरकार अगर इससे भी परहेज नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में पब्लिक के बीच में जाएंगे और सरकार की वोट पे चोट लगाने का काम करेंगे। रेलवे कर्मचारियों ने भारत बचाओ रेल बचाओ के तहत किया प्रदर्शन। सिरसा शहर थाना को भेंट की सैनिटाइजर की ऑटोमेटिक मशीन। द आरटीआई एसोसिएशन सिरसा की ओर से ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन शहर थाना को दी गई है। इस बीच सरकारिया ने कहा कि पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दोनों ही दिन रात कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, इस बीच इनकी संभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सोना के जखपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पता लगा कि गली में खेलते समय भाई बहन को करंट लग गया है। बताया जा रहा है कि गली में पड़ोस में कूलर लगा हुआ था, जिसकी वजह से करंट लग गया है। 11 साल के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 साल की लड़की को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सोहना के जखोपुर गांव में बीती शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब गली में खेलते समय भाई बहन करंट की चपेट में आ गए और करंट लगने से 11 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को आनन फानन में लोगों की मदद से पास लगते अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। तो इसमें बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने स्टैंड को छू लिया। अच्छा, उसको पता नहीं थी करंट आ रहा है, बच्चे थे छोटे छोटे जी, इसकी वजह से। तो ये कितने साल का बच्चा जिसकी मौत? 11 साल का बच्चा है जी। 11 साल का। अच्छा, और एक बच्ची और भी थी जिसको? वो 14 साल की, 13 साल का, उसको भी करंट लगा है। हाँ, वो भी एडमिट है। वो कहाँ एडमिट है? हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, तो अभी क्या कार्रवाई करी आपने इसमें? अभी किसने कागज पत्र तैयार करे हैं इस दौरान। अच्छा, जैसा कि भी करंट लगा है कि वो कोई मन से तुम्हारा नहीं है ये बोल रहे थे, पर उसने कूलर लगा था, ना कोई करंट छोड़ रखा था उसने। बयान कर, तो क्या नाम था बच्चे का जो पढ़ता था कहीं? हाँ, 3rd क्लास में पढ़ता। क्या नाम था? वैसे हम तो वो गोली कह रहे हैं मॉडल में उसको।
छोटा बच्चा है। तो आपको कैसे जानकारी मिली इसे करंट लगा? हम बाहर ही बैठे थे जिस टाइम उनकी मम्मी छुड़ाने के लिए आई थी। अच्छा, गली में बैठे थे हम अपने घर में, पड़ोस पड़ोस में घर है सबके। अच्छा, बिल्कुल पास पास में लाइन से। अच्छा, रस्ते के अंदर ही ऐसे। मृतक बच्चे के पिता की माने तो ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जिस समय भाई बहन गली में खेल रहे थे। उसी समय पड़ोस में लगे एक कूलर को छूने से 11 वर्षीय धीरज को बिजली के करंट ने पकड़ लिया। वहीं 13 वर्षीय बहन पूनम ने जब अपने छोटे भाई को कूलर के करंट से छुड़ाने का प्रयास किया तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको सोहना के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर सोहना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवा शव को परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि धीरज तीसरी कक्षा में पढ़ता था जिसकी कूलर में उतरते बिजली के करंट से मौके पर मौत हो गई। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिवार सदमे में है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें पीबी न्यूज़। धन्यवाद।